अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज आपको मैं मज़े के इंपोर्टेड माल, इंपोर्टेड ब्रांड के जो हैं कि बैग्स दिखा रही हूँ, जिसमें आपको ये 800 में इनकी प्राइस है। ये आपको 400, 500, 600, 700 इस तरह के डिफरेंट प्राइस में इंपोर्टेड में मिलेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये इंपोर्टेड हैं, जो एलबी मार्ट है, लड्डा बाज़ार में है। इनके प्राइस भी मैंने मेंशन कर दी है, आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको कोई इतना इश्यू नहीं होगा। और साथ में आपको प्राइस भी बता रही हूँ। और यहाँ से भी मैं गई थी यहाँ की जो है कि सस्ता बाज़ार की, जो बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है, इंशाल्लाह से मैं जल्दी जल्दी सब अपलोड कर दूँगी। जैसा कि आपको हालात पता कैसे हुए थे, यूट्यूब बंद था, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा था, ये भी मैं अपलोड कर दूँगी आपको। शायद कब पाकिस्तान में रहने वाले तो पता नहीं कब देखेंगे, क्योंकि अभी तो हालात तो कुछ ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी नेट नहीं आ रहा। और ये मज़े मज़े के बड़े ही ज़बरदस्त से बैग्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, बच्चियों के बैग हैं। ये जैसा आप सारी वैरायटी देख रहे हैं, सीधे से बैग हैं। और बाकी जो आपको पता है कि आप इंपोर्टेड चीज़ें भी जब आप लेते हैं, तो वैसे तो आपको सब ब्रांड्स में से वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी भी तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगी। और ये बैग्स देख सकते हैं, या बार्गनिंग करके, ये आपकी हिम्मत है, आप 500, 600, 700, 800 भी करवा सकते हैं। एक मैंने बड़ा अच्छा लिया था, ज़रा भी डैमेज नहीं था। सम टाइम कहीं किसी से थोड़ा सा होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बैग्स हैं। जैसा कि ये कि इसका एड्रेस भी यही है कि तिम्बल बाज़ार में जो ही एंटर होंगे वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ये इंपोर्टेड माल और लंडा बाज़ार की जो शॉप्स हैं कहाँ पे हैं, वहाँ पे एंटर होंगे। ये देखिए, ये भी कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ये भी बैग लग रहा था, जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए। जैसे ये भी थे, ये आपको 200-300 में ये पाउच मिल रहे थे, आपको जैसे मेकअप वगैरह रखने के लिए भी आपको काम आ जाते हैं। और इस तरह से आप यहाँ से भी अच्छे से चांटी करके देख सकते हैं। इनके पास बर्तन मौजूद थे और बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन थे, जैसे कि ये बैग था, ये भी आपको 500 में दे रहा था। इस तरह से कुछ 6 में था, कुछ 7 में था, हर एक की प्राइस मैंने बेसिकली आपको बता दी हैं। और जैसा कि ये एक बैग था, मैं स्कूल बैग भी कुछ अच्छा सा देख रही थी, तो वो नहीं, लेकिन ये छोटे थोड़ा छोटा था, नर्सरी या प्ले के बच्चों के लिए बैग से। इसके लिए इसके साथ आपको ये ट्रैवल बैग्स भी थे, ट्रैवल बैग आपको, ये कुछ क्रॉस बॉडी बैग्स थे, ये देख लें, ये भी ग्रीन कलर में बैग है और ये भी अच्छा बैग लग रहा था। हल्का हल्का कहीं से डैमेज है, वो भी आप उसको डेकोरेट करके भी कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ये देख लें, ये एक बैग था, इसके साथ इनके पास बर्तन भी मौजूद हैं, आपको ये बॉटल्स थी, बहुत से ऐसे ज़बरदस्त बर्तन भी इनके पास मौजूद हैं, जो कि आपको यहाँ से कलेक्शन भी मिलेगी। आपको इसी तरह 300, 400, 500 में बॉल वगैरह भी मिल रहे हैं। आगे आगे आप देखते जाएं, और इनकी इस शॉप पे ये भी चीज़ें हैं। और बाकी इसके साथ मैंने जूतों की, बैग्स की, हर एक चीज़ की मैंने बनाई है। ये तिम्बल बाज़ार में, बार बार मैं कह रही हूँ कि आप पूरा वीडियो गौर से देखिएगा, ताकि आपको ड्रेस की भी समझ आ सके। और जो है कि चीपेस्ट रेट है इन सब के बैग्स के, जैसे कि ये ज्वेलरी बैग हैं, और इसके साथ ये देख लें, ये जैसे कॉलेज वगैरह के जो जॉब वाली वुमेंस हैं उनके लिए बैग्स हैं। और जैसे कि ये ब्राउन कलर में था, जैसे ब्लैक में है, मल्टी कलर्स में है, जैसे कि ये एक ग्रीन कलर में था, कुछ ऐसा रेड में बैग्स थे, जो कि जो अपने लाइक करते हैं, जैसा हैवी बैग्स। मैं तो इतना क्रॉस बॉडी बैग ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसमें ईजी रहता है कि आप क्रॉस बॉडी में पहन लें, आपके लिए मार्केट में जो है कि वो अच्छा रहता है। उसके साथ इनके पास आप देख सकते हैं क्लॉथ थे, मग थे, डेकोरेशन थे, फोक वगैरह की वैरायटी, ऐसे हैंग्स वगैरह करने के लिए आपको काफ़ी यूनिक सी इंपोर्टेड चीज़ें मिल जाती हैं। इंपोर्टेड ये बर्तन हैं सारे, इसके साथ स्ट्रॉ पड़े हुए थे, ये जैसे प्लेट्स देख रहे हैं, जैसे ये कप का एक सेट था, नीचे ये स्टील का बना हुआ था और ये स्पेशली इतना प्यारा लग रहा था ना, छोटा सा ये टी सेट बना हुआ था। इसके साथ आपको ये बॉल वगैरह के सेट भी हैं, और ये डेकोरेशन की ये देख लें, कितने ये बड़े बड़े बिग बिग पॉट्स बने हुए हैं। ये आपको थोड़े से ज़ाहिर है कि वो आपको 1500 रुपये में देंगे, लेकिन आप जब ओरिजिनल में लेने जाते हो तो तब ये चीज़ें आपको बहुत महंगी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। और मैंने तो इसकी शॉप को पूरी को एक एक बैग को आपको दिखाने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से घर में बैठे ही समझ आ जाए, और जब आप लेने जाएँ तो आपको मुश्किल भी ना हो। आपको मैंने एड्रेस भी समझा दिया कि तिम्बल बाज़ार में जो भी एंटर होंगे, पहले जूतों की शॉप्स आएंगी, उसके साथ आगे ही ये इसकी बैग्स की शॉप है, इसके साथ कर्टन वगैरह की भी शॉप वहाँ पर हैं।
किसी से भी पूछ के तो आप वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। जो गुजरात सिटी के रहने वाले लोग हैं उनको बड़े अच्छे से इसका पता चल जाएगा। जैसे कि ये बैग था, ये बैग मैंने लिया था और मैंने इसको अच्छे से चेक किया, कहीं से डैमेज तो नहीं है। और माशाल्लाह से कहीं बेनी पे भी जो है कि ये डैमेज नहीं था। और इसकी ज़िप भी इतनी नीट क्लीन थी कि आप देख सकते हैं इसको, और बहुत ही प्यारा मिला था। और ये मैंने उसको आई थिंक 1000 में इसने मुझे दिया था। मैंने उसको बोला था कि लेस करो, लेकिन कहते नहीं ये इससे कम नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी हालत इतनी अच्छी थी। हालाँकि मैंने इस तरह के काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, मुझे बैग नहीं मिला। इस तरह से आपकी जुगाड़ लग जाती है, आप जब भी जाते हैं आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। आप ये कि आप सोच के जाएं हम ये लेंगे इस तरह से नहीं, आप समटाइम आपको चक्कर लगाना चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छे की रिजनेबल से चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि ये देख लें, पीछे भी एक बड़े बड़े मज़े के बैग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसके साथ जो मेरे न्यू दिखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर करना जो है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस शॉप पे विज़िट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी जो शॉप, आपको मज़े की बात। और इस तरह से मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, न्यू अपलोड व्लॉग्स इस्ता बाज़ार के नाम से अच्छे से व्लॉग्स आएँगे। और मुझे अपनी कीमती राय के साथ भी बताइएगा। मेरी कोशिश यही है आपको जो है कि हर चीज़ के बारे में बताया जाए। ये बैग्स हैं जैसे कि बाकी भी अच्छे अच्छे बैग्स हैं। और इसके साथ टिपिकल लाइफ को इजाज़त दीजिएगा और अपनी मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़, बाय।